Hello everyone, in this video we will do network devices. First we have modem. Modem stands for modulator demodulator. It is a hardware device that converts digital signals to analog signals. Okay, तो modem क्या है? एक hardware device है जो digital signals को analog signals में convert करता है. अब आपको पता है computer में जितना भी work होता है वो digital signals के ऊपर होता है. Digital signals कौन से होते हैं? These are non-continuous electrical signals. राइट, नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. डिजिटल सिग्नल क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक बार में कैरी करते हैं. राइट, एक साथ ही मल्टीपल वैल्यूज को कैरी नहीं करते हैं. ओके, तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है. राइट, तो जब कंप्यूटर अपना डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करता है, राइट, तो वो डेटा किसके थ्रू जाएगा? वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू जाएगा. राइट, ओके, तो टेलीफोन लाइंस डिजिटल डेटा को कैरी नहीं करती हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करती हैं. तो यहाँ पे जो मॉडम डिवाइस है वो क्या करता है? वो कंप्यूटर के डेटा सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? दे कैरी कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. राइट, तो यहाँ पे मॉडम जो आपके सेंडर कंप्यूटर के साथ अटैच है उसका क्या वर्क है? उसका वर्क है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर. ओके, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस डेट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एट द सेंडर साइट. राइट, जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, ओके, उसका मॉडम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को, जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, वन वन वैल्यू की फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं, उसको वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइन्स को पास कर देता है. ओके, एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एट द रिसीवर्स एंड. राइट, तो जो सेंडर्स कंप्यूटर का मॉडम था उसने क्या किया? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया. ये प्रोसेस है मॉड्यूलेशन. और जो कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है, राइट, अब डेटा को रिसीव किस फॉर्म में कर रहा है? वो डेटा को रिसीव कर रहा है एनालॉग फॉर्म में. तो यहाँ पे जो मॉडम है, रिसीवर का मॉडम, वो क्या करेगा? वो इस डेटा को जो एनालॉग फॉर्म में है उसको अगेन कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में. राइट, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ये अब रिसीवर कंप्यूटर को पास कर देगा. राइट, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन. ओके, तो यहाँ पे देखो डीमॉड्यूलेटर दिया गया. यहाँ पे जो मॉडम है वो मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है. सेंडर की साइड पे मॉडम मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है और रिसीवर की साइड पे मॉडम डीमॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है. ओके, इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल वाया टेलीफोन लाइन्स. तो इस तरीके से मॉडम का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए टेलीफोन लाइन्स के थ्रू. राइट, इट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन्स. तो मॉडम की हेल्प से कंप्यूटर टेलीफोन जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू. राइट, ओके, बिकॉज हियर मॉडम इज कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. ओके, नाउ हियर वी हैव टाइप्स ऑफ मॉडम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडम विच आर एज फॉलोज. तो हमारे पास दो टाइप के मॉडम है, इंटरनल मॉडम फिक्स्ड विद इन अ कंप्यूटर. इंटरनल मॉडम क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होते हैं. राइट, उसके मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं, वो आपका इंटरनल मॉडम है. यू कैन सी द पिक्चर हियर. फाइन, नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल मॉडम कनेक्टेड एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर. जो मॉडम कंप्यूटर्स के साथ जो एक्सटर्नली मतलब बाहर कनेक्ट किए जाते हैं वो कौन से मॉडम होते हैं? एक्सटर्नल मॉडम. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर द एक्सटर्नल मॉडम. ओके, नाउ हियर वी हैव इथरनेट कार्ड. इथरनेट कार्ड इज अ टाइप ऑफ NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विच इज स्पेसिफिक टू इथरनेट टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे इथरनेट कार्ड क्या है? इथरनेट कार्ड एक टाइप का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसका मेन यूज कहाँ पे है? इथरनेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है. राइट, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या है. इथरनेट इज अ लैन आर्किटेक्चर. इथरनेट क्या है? एक लैन आर्किटेक्चर है, एक डिजाइन है जहां पे कंप्यूटर को प्लेस किया जाता है. राइट, ओके, डेट यूजेस. इथरनेट क्या यूज करता है? बस टोपोलॉजी को यूज करता है. राइट, बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सिंगल वायर से आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं. ओके, इथरनेट केबल से आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, या फिर स्टार टोपोलॉजी. फाइन, स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है इथरनेट आर्किटेक्चर. ओके, तो इथरनेट क्या है? इट इज अ
इट इज अ लैन आर्किटेक्चर और यू कैन से लैन डिजाइन ओके डैट यूजेस बस और स्टार टोपोलॉजीज एंड कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर रेट्स ऑफ अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड ओके और जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है ओके जो ये लैन आर्किटेक्चर है वो क्या करता है वो डेटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड ओके राइट तो यहाँ पे जो आपका इथरनेट कार्ड कहाँ पे यूज होता है वो इथरनेट टेक्नोलॉजी में को क्रिएट करने के लिए उसको यूज किया जाता है फाइन ओके द कंप्यूटर डेटा पार्ट ऑफ इथरनेट वो कंप्यूटर्स जो इथरनेट का पार्ट है इथरनेट आर्किटेक्चर का पार्ट है हैव टू इंस्टॉल इथरनेट कार्ड उन कंप्यूटर्स को इथरनेट आर्किटेक्चर में कनेक्ट होने के लिए क्या इंस्टॉल करना जरूरी होता है इथरनेट कार्ड को इंस्टॉल करना जरूरी होता है ओके An Ethernet card enables a computer to access the internet by means of an Ethernet cable. Okay, अब देखो Ethernet आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या है ये जो picture दी हुई है वो Ethernet card की picture है Fine, इसमें देखो Ethernet port बना हुआ है ओके इस पोर्ट में क्या जाके इंसर्ट होगी इथरनेट केबल इंसर्ट होगी और ये इथरनेट केबल किससे ज्वाइन होती है ये आपके डिवाइसेस से ज्वाइन होती है आपके कंप्यूटर से ज्वाइन होती है राइट तो यहाँ पे क्या है जितने भी कंप्यूटर्स इथरनेट आर्किटेक्चर से ज्वाइन होना चाहते हैं फाइन उनको क्या इंस्टॉल करना होता है इथरनेट कार्ड को इंस्टॉल करना होता है फाइन तो यहाँ पे क्या है एन इथरनेट कार्ड इनेबल्स अ कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट इथरनेट कार्ड की हेल्प से कंप्यूटर क्या कर सकता है इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है बाय मीन्स ऑफ एन इथरनेट केबल की हेल्प से फाइन तो जो ये आपका इथरनेट कार्ड है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा जिसके अंदर इथरनेट केबल क्या होगी आप इंसर्ट करेंगे और ये इथरनेट केबल किससे ज्वाइन होगी आपके लैन आर्किटेक्चर से ज्वाइन होगी आपके इथरनेट आर्किटेक्चर से ज्वाइन होगी फाइन ओके इथरनेट कार्ड आर इंटरनल एंड कम स्टैंडर्ड ऑन मोस्ट न्यू कंप्यूटर्स तो इथरनेट कार्ड कहाँ होते हैं इंटरनल होते हैं ये आउटसाइड इनको इंस्टॉल नहीं किया जाता इनको कंप्यूटर के सीपीयू के और यू कैन से मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है एंड कम स्टैंडर्ड ऑन मोस्ट कंप्यूटर्स और ये आप मोस्टली सभी कंप्यूटर्स में बाय डिफॉल्ट आते हैं लैपटॉप्स में भी और डेस्कटॉप में भी राइट तो आपको पता चल गया इथरनेट क्या है इथरनेट कार्ड क्या है इथरनेट कार्ड एक टाइप का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी है अगर आपका कंप्यूटर किसी भी लैन आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है राइट ओके कैसे नेटवर्क से जो इथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है ओके नेक्स्ट वी हैव RJ45 ओके RJ45 स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक 45 RJ45 की फुल फॉर्म क्या है रजिस्टर्ड जैक 45 RJ45 इज एन 8 वायर कनेक्टर ये क्या है एक 8 वायर कनेक्टर है विच इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लेंस स्पेशली इथरनेट्स अभी हमने देखा था आपने इथरनेट कार्ड को क्या किया था अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया था आपके सिस्टम ये देखो आपका ये जो है आपके सिस्टम के इनसाइड क्या है इथरनेट कार्ड है और उस इथरनेट कार्ड से क्या कनेक्ट हो रही है आपकी RJ45 केबल कनेक्ट हो रही है ये देखो इसको आप RJ45 कनेक्टर कहोगे और दिस इज योर इथरनेट केबल ये आपकी इथरनेट केबल है फाइन तो RJ45 कनेक्टर क्या है एक 8 वायर कनेक्टर है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर्स को लैन आर्किटेक्चर में स्पेशली इथरनेट आर्किटेक्चर में ज्वाइन करने के लिए इथरनेट इज अ लैन आर्किटेक्चर दैट यूजेस आइदर अ बस और स्टार टोपोलॉजी इथरनेट क्या होता है एक आर्किटेक्चर क्या है एक डिजाइन है इथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने का एक डिजाइन है जो किसको यूज करता है बस टोपोलॉजी को यूज करता है यहाँ पे देखो बस टोपोलॉजी को यूज किया जा रहा है फिर उसके साथ यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी भी यूज हो रही है टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स राइट अब जो यहाँ पे आपके जो सिस्टम है उसमें क्या है इथरनेट कार्ड इंस्टॉल्ड है फाइन और वो किससे कनेक्ट हो रहा है वो RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट हो रहा है और ये जो वायर है वो क्या है इथरनेट केबल्स है राइट RJ45 कनेक्टर्स आर इंसर्टेड इनटू RJ45 जैक्स ऑफ इथरनेट डिवाइसेस
फाइन। तो RJ45 कनेक्ट है कहाँ कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, ये जो ये बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, RJ45 जैक्स, दीज आर द RJ45 जैक्स, इथरनेट डिवाइसेस के RJ45 जैक्स के अंदर RJ45 कनेक्टर्स को इंसर्ट किया जाता है, ओके, टू क्रिएट द इथरनेट आर्किटेक्चर्स, राइट, ओके, समझ आ गया। आप एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, देखो हमने इथरनेट कार्ड किया था, ओके, ये आपका इथरनेट कार्ड था, उसके अंदर इथरनेट कार्ड के अंदर आप क्या इंसर्ट कर रहे हो, आप RJ45 कनेक्टर को इंसर्ट कर रहे हो इथरनेट पोर्ट के अंदर, फाइन, ओके, और इससे आपका क्या क्रिएट हो रहा है, इससे आपका एक लैन आर्किटेक्चर और यू कैन से एक इथरनेट आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है, फाइन, जो क्या यूज करता है, बस टोपोलॉजी यूज करता है या फिर आपका स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिपीटर। रिपीटर क्या है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। रिपीटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किस लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। जब आपके सिग्नल्स एक लंबे डिस्टेंस में ट्रांसमिट होते हैं, ओके, एक लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो क्या होती है, उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, फाइन, तो यहाँ पे हमें एक एम्पलीफायर की जरूरत होती है, तो रिपीटर जो डिवाइस होता है वो हमारा एम्पलीफायर होता है, वो एम्पलीफाई करता है, वो रीजनरेट करता है सिग्नल्स को सो दैट दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ रिपीटर इज टू एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट देम ओवर द नेटवर्क। तो रिपीटर का फंक्शन है जो उसके पास सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रीजनरेट करना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ओके, एंड उसके बाद उसको रीट्रांसमिट करना नेटवर्क के ऊपर, फाइन। द रिपीटर अलाउज टू ट्रांसफर द डेटा थ्रू लार्ज एरिया डिस्टेंस। रिपीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक लार्ज एरिया डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपका लैन आर्किटेक्चर है, फाइन, उसने डेटा को ट्रांसमिट किया, रिपीटर के पास डेटा किया गया, रिपीटर ने उसको रीजनरेट कर दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया और उसको फिर अगेन भेज दिया दूसरे आर्किटेक्चर के पास, मतलब दूसरे लैन आर्किटेक्चर के पास, लैन बी के पास, राइट। तो रिपीटर की हेल्प से डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे आप ट्रांसमिट कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है डेटा, फाइन। नेक्स्ट वी हैव हब। अ नेटवर्क हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस डेट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ नेटवर्क। हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, ओके। अब देखो यहाँ पे फिगर दी हुई है, दिस इज योर हब, ये आपका हब है, उससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, अटैच है, तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हब, राइट, ओके। इट हैज सेवरल इथरनेट पोर्ट्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर। अब हब जो डिवाइस होता है उसके अंदर बहुत सारे इथरनेट पोर्ट्स बने होते हैं, ओके, इन इथरनेट पोर्ट्स में क्या है, आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं एंड इसकी हेल्प से ये जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द हब कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर डिवाइस कनेक्टेड टू वन ऑफ द हब्स इथरनेट पोर्ट, ओके। सो व्हाट इट इज टेलिंग यू कि जितने भी डिवाइस हब से कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो हब क्या है, एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो टू या टू से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। नाउ अब हब और स्विच में डिफरेंस क्या है, ओके। हब्स आर सिमिलर टू स्विचेस। हब स्विचेस की तरह ही हैं बट आर नॉट एज स्मार्ट एज स्विच। लेकिन ये क्या है, स्मार्ट नहीं है, जितना स्विच स्मार्ट होता है उतना हब स्मार्ट नहीं है। व्हाइल स्विचेस सेंड इनकमिंग डेटा टू अ स्पेसिफिक पोर्ट, हब्स ब्रॉडकास्ट ऑल इनकमिंग डेटा टू ऑल एक्टिव पोर्ट्स। देखो स्विच क्या करता है, उसके पास जो डेटा आता है वो एक स्पेसिफिक जिसके लिए वो डेटा आया है, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए वो डेटा आया है उसके पास ही वो डेटा सेंड करेगा। लेकिन हब क्या करता है, मान लो इस कंप्यूटर ने हब को डेटा सेंड किया, ओके,
यहाँ पे डेटा किया। अब हब हाँ क्या करेगा, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इस डेटा को रिसीव करेगा और सारे डिवाइसेस के पास उस डेटा को हब हाँ सेंड कर देगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हब हाँ से, दे विल गेट द सेम डेटा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ फाइव डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू एट पोर्ट हब, मान लो एक एट पोर्ट का हब है जिसके अंदर फाइव डिवाइसेज कनेक्टेड हैं, ऑल डेटा रिसीव्ड बाय द हब इज रिलेड टू द फाइव एक्टिव पोर्ट्स। तो हब क्या करेगा, जितने भी फाइव डिवाइसेज हैं उनको डेटा सेंड कर देगा, ओके। While this ensures the data gets to the right port, अब इससे ये तो होता है कि data right port के पास तो जाएगा, it also leads to insufficient use of the network bandwidth, लेकिन इससे क्या होता है, network bandwidth का insufficient use भी होता है, ठीक है। bandwidth क्या होती है, data transfer capacity of network, right, in bits per second, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका misuse भी हो रहा है। For this reason switches are much more commonly used than hubs, तो इस reason से हब का कम यूज़ किया जाता है, स्विच का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखो सेम डेटा सारे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है सबके पास चला गया, राइट। एक तो बैंडविड्थ का मिस यूज़ हुआ, ओके, एंड सेकेंडली क्या है, यहाँ पे जो मैसेज है उसकी वो सिक्योर नहीं रहता, बिकॉज ऑल कंप्यूटर्स आर गेटिंग द सेम मैसेज, फाइन, ओके। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ हब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब, इट एक्ट्स एज रिपीटर, एक्टिव हब क्या करता है, रिपीटर की तरह काम करता है, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स एज दे मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अब यहाँ पे जो एक्टिव हब है वो क्या करेगा, सिग्नल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास भेजने से पहले, सेंड करने से पहले उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको रीजनरेट करेगा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, फाइन। सेकेंड आपका क्या है, पैसिव हब, इट सिंपली पासेस द सिग्नल फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर। पैसिव हब का क्या काम है, सिंपली वो क्या करेगा, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की को डेटा सेंड कर देगा, कोई भी उसमें वो एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा, उसको रीजनरेट नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव स्विच, अ स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेगमेंट और डिवाइड नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट्स और लैन सेगमेंट। स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम क्या है, बड़े नेटवर्क्स को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना। उन छोटे नेटवर्क्स को आप सबनेट्स भी बोल सकते हो और लैन सेगमेंट्स भी बोल सकते हो, राइट। सेगमेंटिंग द नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स प्रिवेंट ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन द नेटवर्क। जब आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग भी कम हो जाती है, राइट। एक बहुत बड़े नेटवर्क में जितना भी ट्रैफिक जाता है वो छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। Switch forwards a data packet to a specific route by establishing a temporary connection between the source and the destination. अब स्विच को जब डेटा फॉरवर्ड करना होता है तो वो क्या करता है, एक टेम्परेरी रूट क्रिएट कर देता है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। आफ्टर द ट्रांसमिशन द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड, और जैसे ही वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिशन कम्प्लीट हो जाता है, वो कनेक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, फाइन, ओके। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, स्विच एंड हब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अ हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल द हब पोर्ट्स, ये मैंने अभी आपको बताया है। हब क्या करता है, जितना भी डेटा आता है वो सारे पोर्ट्स को फॉरवर्ड कर देता है, व्हाइल अ स्विच फॉरवर्ड ईच कमिंग पैकेट टू द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। लेकिन स्विच क्या करता है, सिर्फ उसी का डिवाइस को डेटा सेंड करता है जिसके लिए वो डेटा आया होता है, राइट, ओके, फाइन। तो यहाँ पे स्विच क्या है, बेटर देन हब, फाइन, सो इट इज मोर स्मार्टर देन द हब। नेक्स्ट वी हैव राउटर, अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को सेंड करता है, ओके, बिटवीन द नेटवर्क, राइट। इट इंटरकनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, राउटर का फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है, ओके। The simplest function of a router is to receive data packets from one connected network and pass them to another connected network. Router क्या करता है, एक network से data packets को receive करता है और दूसरे network को pass कर देता है, right? Unlike bridge, a router chooses the best route to send the data packet. तो यहाँ पर router एक route को decide करता है कि किस route को उसको choose करना है और किस route के थ्रू उसको डेटा को सेंड करना है, फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क।
आउट ऑफ सेवरल रूट्स एग्जिस्टिंग इन द नेटवर्क. फाइन, तो नेटवर्क में क्या होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं. तो राउटर इज अ स्मार्ट डिवाइस दैट चूजेस वन रूट टू सेंड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क, राइट. एक इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करता है, ओके, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड करता है. फाइन, नेक्स्ट वी हैव गेटवे. अ गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क. गेटवे क्या करता है, ये भी डिसिमिलर नेटवर्क को ज्वाइन करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है. द गेटवे एस्टेब्लिशेस एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन अ लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क. तो यहाँ पे गेटवे का क्या फंक्शन है, वो लोकल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से ज्वाइन करता है, ओके, इन उन दोनों के बीच में एक इंटेलिजेंट कनेक्शन क्रिएट करता है विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. लोकल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क आपका वैन हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, आपका मैन हो सकता है, ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है. तो दोनों का, इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क को गेटवे ज्वाइन करता है, राइट. अ गेटवे इज अ नोड इन अ नेटवर्क विच सर्व्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर. गेटवे कैसे एक्ट करता है, प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है एंड अ फायरवॉल सिस्टम, और फायरवॉल सिस्टम की तरह भी काम करता है. फाइन, आप देखो इस पिक्चर के अंदर देखो, ये एक लैन आर्किटेक्चर है, पूरा एक नेटवर्क है. फाइन, जो किससे कनेक्ट है, जो आपका गेटवे से कनेक्ट है. अब गेटवे यहाँ पे फायरवॉल, एज अ फायरवॉल भी वर्क कर रहा है और एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी वर्क कर रहा है, ठीक है. अब एज अ फायरवॉल वो क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट द अनऑथोराइज्ड एक्सेस. अब आपका जो लैन है वो कहाँ से इंटरनेट कनेक्शन ले रहा है, वो वैन से कनेक्टेड है, आपका लैन वैन से कनेक्टेड है और बीच में क्या है, गेटवे है. गेटवे यहाँ पे एज अ फायरवॉल भी वर्क करेगा, फायरवॉल करके ये क्या करेगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करेगा, राइट. जो भी उसको साइट्स, जो भी उसको डेटा अनऑथोराइज्ड लगेगा, उसको ये स्टॉप कर देगा यहीं पर, उसको अंदर नहीं जाने देगा. फाइन, और एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी वर्क करेगा. प्रॉक्सी एज अ प्रॉक्सी सर्वर कैसे वर्क करता है, मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ आपको. इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट टेम्परेरी, राइट. अब क्या, जो भी डेटा है, जो जेन्युइन डेटा है, वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वैन टू द लैन. अब यहाँ पे ये क्या करेगा, उस डेटा की कॉपी क्रिएट कर लेगा अपने अंदर, ओके, सो दैट द रिपीटेड एक्सेस टू द सेम वेबसाइट और वेब पेज कुड बी डायरेक्टेड टू द प्रॉक्सी सर्वर. तो कॉपी क्रिएट होगी, नेक्स्ट टाइम जब आपका लैन उस सेम डेटा को मांगेगा, उसकी रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे फायरवॉल वैन से वो डेटा ना लेके, जो कॉपी उसने खुद में क्रिएट की है, खुद अपने सिस्टम में क्रिएट की है, वो कॉपी इस लैन को प्रोवाइड करेगा, राइट. तो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रॉक्सी सर्वर वर्क कर रहा है, ओके, इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल वेब सर्वर. दस इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ट्रैफिक लोड. और इस केस में क्या है, ये ट्रैफिक लोड को भी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि बार बार डेटा वैन से लैन में एक्सेस नहीं हो रहा है, ओके, और उसकी कॉपीज जो इसकी ऑलरेडी इसने क्रिएट की हुई है, वो लैन को प्रोवाइड कर रहा है. तो इस केस में एज अ प्रॉक्सी सर्वर ये वर्क कर रहा है, और यहाँ पे ये नेटवर्क ट्रैफिक को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. फाइन, तो गेटवे इज वर्किंग एज अ फायरवॉल एज वेल एज प्रॉक्सी सर्वर. फाइन, नेक्स्ट वी हैव वाईफाई कार्ड. वाईफाई कार्ड इज सिमिलर टू द इथरनेट कार्ड. वाईफाई कार्ड किसके सिमिलर है, इथरनेट कार्ड की ही तरह है. जैसे इथरनेट कार्ड को इंस्टॉल करना जरूरी है लैन आर्किटेक्चर से कनेक्ट होने के लिए, इथरनेट कार्ड आर्किटेक्चर से कनेक्ट होने के लिए, ऐसे ही आपको अपने सिस्टम में वाईफाई कार्ड को इंस्टॉल करना होता है. क्यों, बिकॉज इट अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट वायर. अगर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए, फाइन, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको वाईफाई कार्ड को इंस्टॉल करना जरूरी होता है. फाइन, तो ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है विदाउट वायर, ओके. इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल विद बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना. तो आपका वाईफाई कार्ड इंटरनल भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसको एक्सटर्नली भी आप लगा सकते हो, ओके. और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विद बिल्ट इन वायरलेस रेडियो होता है इसके अंदर एंड एंटीना होता है. फाइन, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये आपका वाईफाई कार्ड है अलॉन्ग विद द एंटीना. फाइन, ओके, एंड वायरलेस रेडियो. द मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड यूज इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर PCI Express वाईफाई कार्ड. तो
अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्रिएट करना चाहते हो, वायरलेस कनेक्टिविटी डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्रिएट करना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वाईफाई कार्ड करोगे। जो और मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए क्या है, पीसीआई एक्सप्रेस वाईफाई कार्ड। ओके, इट अलाउज अ डिवाइस डेस्कटॉप और लैपटॉप टू कनेक्ट टू द हॉटस्पॉट अवेलेबल। अगर आप वाईफाई कार्ड को आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने डिवाइस में, अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में, तो क्या होगा, वो हेल्प करेगा आपके डिवाइस को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए, राइट। ओके, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग वाईफाई कार्ड इज दैट इट अलाउज कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप टू बिकम पार्ट ऑफ द नेटवर्क विदाउट बीइंग फिजिकली कनेक्टेड टू द वायर, राइट। तो यहाँ पे जो मेन यूज वाईफाई कार्ड का है वो क्या है, इट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर विद द वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, राइट। ओके, तो यहाँ पे वाईफाई कार्ड की हेल्प से आप कनेक्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द वायर्स, आप एक नेटवर्क का पार्ट बन सकते हो विदाउट फिजिकली कनेक्टेड टू द वायर्स। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।